अभी भी गारंटी है, पटना के जिस इंस्टीट्यूट में जाना चल जाइए, आप पढ़ के देख लीजिए, अगर नहीं भाग के चला है तो हम अपना संस्था में ताला लगा देंगे। आप एक बार ट्राई कीजिए मेरे लिए, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ तमाशा। इतना दिन हुआ ना, आज 15 दिन क्लास हुआ ना, छुट्टी उठी, ईद का छुट्टी हटा दीजिए, संडे हटा दीजिए, 15 दिन क्लास हुआ ना, एंसर राइटिंग लिख रहे हैं ना, डेली क्लास हो रहा है ना, सब्जेक्ट बदल रहा है ना, नोट्स मिल रहा है ना, और आज पहला जीडीपी हो रहा है ना, आपको लगता कहीं है? घूम लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आप हमको क्या दिए और हम आपको क्या दिए। आपसे कई गुना ज्यादा हम दे देंगे आपको, लेकिन यहीं पे मार्केट में उल्टा चल रहा है, आप ज्यादा देते हैं, संस्था आपको कम देती है। छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन रियलिटी यही है। हमेशा फायदा खुद के बारे में सोचिए तो आप सक्सेस है। नहीं, सबसे पहले कौन आएंगे? आओ गुड़िया, पहले तुम ही आओ, आओ यहां। किसी भी टॉपिक पे वीक में एक दिन होगा, ये तो गारंटी है, कब होगा ये नहीं पता, आप तैयारी करते रहिए। कोई टाइम नहीं देंगे, कोई देख के नहीं बोलना कि हाँ यहां रख दिए और देख देख के बोलो, नहीं, दो लाइन बोलो, एक मिनट बोलो, लेकिन अपना बोलो, आपका अलग कॉन्फिडेंस लेवल जाएगा। क्या जॉनसन जी, आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा तो हमने बोला, आप लिख रहे हैं तो आप बोलिएगा 100%। आओ गुड़िया, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुड़िया कुमारी, मैं मधुबनी जिला से बिलोंग करती हूँ और मेरा आज का टॉपिक रहेगा शिक्षा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, शिक्षा एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने लिखा है या कहा है कि शिक्षा से ही मानव का बुद्धि का विकास होता है, मन की शक्ति बढ़ती है, चरित्र का निर्माण होता है। और शिक्षा प्राप्त कर हमें नौकरी पाना नहीं, किसी किसी व्यक्ति बोलते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर नौकरी पाना, पर शिक्षा प्राप्त कर नौकरी पाना नहीं होता है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर अपना राय प्रकट कर सकते हैं, अच्छा मत दे सकते हैं कि मतलब आगे क्या होने वाला, मतलब आगे क्या उसका प्रचार रहेगा नहीं रहेगा, उसका हम अच्छा भली भांति अच्छे से हम उसका राय दे सकते हैं। तो शिक्षा से परिवार का विकास, जैसे कि अगर परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित है तो हम समझ जाएंगे उस परिवार में हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य को शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षा से ही हमें पता चलता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित हो जाता है। और अगर परिवार में एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो तो परिवार का तो शिक्षा का वैल्यू नहीं समझता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि शिक्षा होता क्या है। असलियत तो यह है कि शिक्षा मानव जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हमें शिक्षा से परिपूर्ण हर एक जगह, मतलब जाएंगे तो शिक्षा से हमें इज्जत मिलती है और हमें अपना सम्मान मिलता है, चरित्र का प्रकट निर्माण होता है। शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है और जरूरी है लड़कियों के लिए।
अगर लड़की को जागरूक, अगर लड़की जागरूक होगी, महिलाएं जागरूक होगी, तो आने वाले पीढ़ी अपने आप जागरूक होगा, शिक्षित होगा। और हम मतलब जैसे समाज में लोग कहते हैं कि बेटी को नहीं पढ़ाओ, बेटी ऐसी है वैसी है, पर ये उनका जो सोच है वो बहुत ही पुरानी सोच है, वो प्राचीन वाला सोच होगा। हाँ, इस सोच को शिक्षा ही बदल सकता है। और हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी कुमार हुआ, हम बिहार के जिला बताइए, बिहार सबको पता है। हम बिहार प्रांत के पूर्वी चंपारण के फिनहरा प्रखंड से बिलोंग करते हैं। मेरा शिक्षा अभी 12th करके अभी आए हैं बीपीएससी के प्रिपरेशन करने सुजीत सर के पास। इस बीपीएससी प्रिपरेशन में क्या सोचे, कैसे ये प्रेरणा मिली, इस पे बस आप बता दीजिए। कैसे आप बीपीएससी की तैयारी जो करने आए हमारे पास, कैसे ये हुआ, कोई घटना घटी होगी नहीं, वो घटना बस शेयर कीजिए। कैसे आप सोचे कि बीपीएससी करना, क्यों ना इंजीनियरिंग में चले गए, क्यों ना मेडिकल में चले गए, वन डे एग्जाम में क्यों नहीं चले गए दरोगा बनने, जो आप आए एसडीएम ही बनने, बस ये बताइए क्या हुआ था घटना। सर, सबसे पहले जिस समय हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय हम 6th क्लास में थे प्राइवेट स्कूल में, कैम्ब्रिज सेंट्रल स्कूल में। उस वक्त हमारे क्लास टीचर थे सोनू सर, और मधुबन प्रखंड के ही एक प्रियंका दीदी थी जो सोनू सर के सिस्टर थी, उन्हीं के सिस्टर पहले 63वीं 62वीं बीपीएससी एग्ज़ाम दी, तो उस वक्त वो वीडियो पद पे चयनित हुई। उसके बाद फिर वो 63वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम दी, तो उस समय वो फिर एसडीएम के रूप में चयनित हुई। तो उस समय हमने सोचा कि हमको भी आगे चलकर बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है। उसके बाद हमने 10th बिहार बोर्ड से किया, उसके बाद 12th साइंस एमएस कॉलेज से किए, उसके बाद फिर 12th करके बीपीएससी का प्रिपरेशन करने पटना आए हुए हैं। इस संस्था में कैसे आए, इस संस्था में और बहुत सारी संस्था, कई लोग कई सजेशन दिए होंगे, आखिर यही संस्था क्यों? सर, सबसे पहले हमारे प्रियंका दीदी थी तो आपसे पढ़ी हुई थी आपके बारे में, हम उस समय जिस समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे उसी वक्त ही हमको पता चला, तो उसी वक्त ही हम सोचे हुए थे कि आपसे बीपीएससी के प्रिपरेशन करना है, और तब हम आए तो पटना सबसे पहले आप ही के कोचिंग में आए, उसके बाद हम कहीं नहीं गए। थैंक यू, बस इतना बोलना था, हो गया, धीरे धीरे ना सीखेंगे बोलने, जाइए। थैंक यू सनी, वेरी गुड, सुपर, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगर आज हम इनसे नहीं बोल पाते ना, तो कल भी यही हालत में ही रहते। अब देखिए कुछ अच्छा लग रहा है ना, अब हल्का कॉन्फिडेंस तो जरूर बढ़ा होगा कि नहीं, मैंने भी बोल दिया। अब ये धीरे धीरे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप देखिएगा यही इंसान, आप रहिए सब बैठे हुए, सर हमको बुलाइए, सर हम आएंगे, सर हमको बुलाइए ना, रुक जाइए 10 दिन और, यही बोलेंगे कि पहले हमको बुलाइए। कुछ सीखे यहां, जितना देर रहे उतना देर लगा ना कि भाई बोलना भी कला है। क्या एक दिन आपको बोल के इंटरव्यू में जाना होगा, यही चीज हम लोग को सिखाना है बच्चों को। हाँ, तो अब धीरे धीरे घटा ना, अब अच्छा लग रहा ना कि मैं बोला, मैं बोल सकता हूं, एहसास दिल करवाया ना, क्लियर है। आइए अमित जी, बहुत पानी पी लिया, यही चीज सिखाना है, और ये कौन ही सिखाएगा पूरा पटना में, घूम लीजिए, देखिए आंख से आंसू निकल गया बोलने बोलते, इसको कहते हैं प्यार, आप परेशान करते हैं और कहते हैं प्यार। आइए बताइए अपने बारे में। सर, ये खोल के बोले नहीं तो फिर आवाज सुनेगा कैसे, ऑनलाइन वाला क्या कहेगा, है तो क्या दिक्कत है, मेरा पहनने में कुछ है माला। मेरा नाम अमर प्रसाद है, वैसे तो मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बट मेरा घर जो है मधुबनी जिला के जस्ट करीब 22-23 किलोमीटर दूर है, तो हर एक चीज़ मधुबनी जिला से ही होती जाती है। और आज मैं पर्यावरण के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए वैसे कहा जाए तो हम ग्रेजुएशन पास हैं, जैसे बीएससी पास हैं, अभी एमएससी में एडमिशन लिए थे, लेकिन ये प्रिपरेशन में लेट होने का रीज़न था कि मेरा पिताजी स्पाइन प्रॉब्लम थे, कि हम घर से निकलना बाहर थोड़ा कठिनाई था, तो लगा कि
जब पिताजी को स्वर्गवास हो गए तो मेरा भाईजी सब बोला कि ठीक है अब तुम ये जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, पढ़ाई के दौर में हो चाहे जिस चीज के दौर में हो। तो भाईजी को बोले भाईजी एक बार मौका दिए जब हमको भी, अगर शुरू से बीपीएससी का सोच है तो हो सकता है और होगा काहे नहीं, जब अगर करेंगे तो जरूर होगा। आज हम पर्यावरण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। देखिए पर्यावरण आजकल देखते हैं कि पर्यावरण मेरे आसपास में जैसे जो भी चीज़ देखते हैं वो पर्यावरण है, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो वो पर्यावरण है। और आज के दौर में देखते हैं कि पानी जैसे धीरे धीरे कम होते जा रहा है। दरभंगा ऐसे शहर में जाइए कि कुछ दिन के बाद पानी वहाँ आना बंद हो जाता है, गर्मी के मौसम में पानी आना बंद हो जाता है, पानी की बहुत बड़ा कठिनाई होती है। और जहाँ तक रहा कि पेड़ पौधों को भी कटाई की जाती है जिससे हम लोग का ऑक्सीजन लेवल भी कुछ ना कुछ ये होता जा रहा है। बस सर और कुछ पानी का कमी सर आजकल देखिए सर आजकल उतना पता तो नहीं है सर, लेकिन सात निश्चय योजना में से एक जन और नल का भी योजना है। और अक्सर गांव में नल को खोल के जी अक्सर जी एक केजी में जहां पानी एक लीटर पानी में जहां यूज करने के लिए काम चल सकता वहां 10 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जी लेट्रिन से लेकर टॉयलेट तक में हर जगह जो है पानी जरूरत से ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है ना। और पानी को संचय करने के लिए सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो रेन वाटर है उसे सेव किया जाए। नहीं जी चलिए वेरी गुड थैंक यू अमित जी वेरी गुड सुपर शानदार बहुत बढ़िया। ये हमारे अमित जी थे है ना। संघर्ष बहुत लंबा है। हाँ 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 किसी ठीक है एकदम बुलाएंगे। एक दूसरी बात है परिस्थिति को मात देके, और कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी खो जाए कोई गम मत करो, कोई टेंशन नहीं है, अनसक्सेस है कोई गम नहीं है, मेरे को थोड़ा रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होता, गरीबी है कोई टेंशन मेरे को नहीं है, और किसी को रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाप माई में से कोई भी नहीं है ना तो दुनिया का सबसे अभागा इंसान वो है, सबसे अभागा। इसलिए अगर आपके पास में माँ बाप हैं अभी भी जिंदा हैं तो याद रखना कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बल्कि हमेशा मीठी आवाज में बात करना। पता है ये गलत है फिर भी मीठी आवाज में, क्योंकि माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पत्नी दोबारा मिल सकती है, परिवार दोबारा मिल सकता है, पैसा दोबारा मिल सकता है, जॉब दोबारा मिल सकता है, माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और ऐसे कंडीशन में बाप को खोने के बाद भरोसा इस संस्था पे करना, हम पे करना, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू अमित जी। आइए आदिल निकलिए बाहर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम मोहम्मद आदिल हुआ, मेरे पिता का नाम मोहम्मद फयाज अहमद। मैं दरभंगा ज़िला के रहने वाला हूं और दरभंगा ज़िला में मैंने देखा है। मैंने दरभंगा ज़िला में देखा है कि बहुत पॉल्यूशन है। तो इसी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं ट्वेल्थ किया था 2022 में किया था। और दरभंगा ज़िला में मैं जो देखता आ रहा हूँ कि पॉल्यूशन से हमारे पर्यावरण जीव जंतु को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और पॉल्यूशन का अर्थ है
पॉल्यूशन का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी। और पॉल्यूशन चार प्रकार के होते हैं। पॉल्यूशन चार प्रकार के होते हैं। एक होता है जल प्रदूषण, और एक होता है वायु प्रदूषण, एक होता है भू प्रदूषण, और एक होता है ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। मैं ध्वनि प्रदूषण पे कुछ बोलूँ। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मेरा सबसे बड़ा ये बात करने का ये है कि सबसे बड़ा मसला है ये डीजे जो बहुत बहुत ध्वनि मचाता है, जो बहुत सारे शोर होता है। और दूसरा है हेडफोन हमको कम यूज़ करना चाहिए। एयरफोन जो लगाते हैं आजकल के बच्चे लोग को देखते हैं, वो ज़्यादा यूज़ तौर के करते हैं, कान में ज़्यादा ये होता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड। ताली भी बजाया कीजिए। हम लोग ऐसे लगता है कि संसद में बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहा है, एक हाथ से, दोनों हाथ से ताली बजाइए, संसद में बैठे हुए हैं। और देखिए इनका कहना आदिल का, थैंक यू आदिल। आदिल का सुने कहावत, बच्चों को हेडफोन कम लगाना चाहिए। और ये बूढ़ा बोल रहे हैं, एक गलती, दूसरा गलती, सबसे ज्यादा हेडफोन यही यूज करते हैं। सड़क से लेकर मोहल्ला तक में चल जाइए, हेडफोन यूज करते हैं। लेकिन जो भी कहो, बेस्ट बोले, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, बहुत सुंदर। आओ निकलो वर्षा। माय नेम इज अनुषा कुमारी। नहीं सुनेंगे, सब बाहर बैठे हुए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुषा कुमारी, मैं पटना जिला से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है अशिक्षा। मैं इस बार 12th फाइनल की हूँ। और 12th फाइनल की हूँ। आज मेरा टॉपिक है अशिक्षा। अशिक्षा हमारे देश का बड़ा बहुत मुद्दा है। यह समस्या हमारे मानव जाति का बहुत बड़ा क्या बोले अपराध है। अशिक्षा से हम बहुत सी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं, सोच भी सकते हैं, और हर समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अशिक्षित है तो उसे क्या हानि हो सकता है, समझाइए। मान लीजिए आपके घर में आपके भाई अशिक्षित है, उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, समझाइए। क्या है? सबसे पहले तो जॉब नहीं लगेगी। जी सर। क्यों नहीं लगेगी, रीजन समझा। वो अशिक्षित रहेंगे तो उन्हें जॉब मिलने में बहुत कठिनाई आएंगी, और पढ़ लिख नहीं सकते, जिससे वो कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, ना कुछ दूसरों को समझा पाएंगे। जी सर। और ना दूसरों को समझा पाएंगे। और जी सर। जी सर। और कैसे संस्थाओं को आगे बढ़ाना, लाभ हानि के बारे में भी, जैसा उसके बारे में, अपने परिवार को भी अच्छे से नहीं पालन पोषण कर सकते हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर भी रहेंगे। बस 30 किलोमीटर रोज दिन चल के आप हमारे पास पढ़ने आती हो, जैसा आखिर हमारे पास क्यों आई, इतनी सारी संस्था पटना में, मेरे पास क्यों? सर जी का समझाने का तरीका अलग होता है, जिससे हर चीज़ों को एक तरह से जोड़ कर बताते हैं, जिससे हमें याद रहता है। और कहीं किसी संस्था में गई थी? नहीं सर, आप ही के पास आते हैं। मेरे पास ही रहेंगे। जी सर। चलिए, वेरी गुड, सुपर। थैंक यू अनुषा, वेरी गुड, सुपर। देखो, अपने बारे में हम अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं आपसे पूछते हैं कि आप मेरी बढ़ाई कीजिएगा, इससे मेरा सम्मान बढ़ेगा। नहीं,
अब आपको कुछ जब नहीं आता तो हम सोचते हैं कि कम से कम कुछ बोलिए, बोलना सिखाना मुझे, है ना। आइए जॉनसन जी निकलिए बाहर, हम सब विदेशी को पढ़ाते हैं, सुजीत सर है, खेल थोड़ी है, आइए आराम से बोलना। एक ही बार बोली प्यास वास लगना शुरू। आगे आ जाइए, बोलिए वही वाला बुलंद आवाज, बताइए अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जॉनसन कुमार हुआ। मेरा नाम जॉनसन कुमार हुआ, मैं पटना सिटी से बिलोंग करता हूँ और मेरा इस साल ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला, फाइनल हो जाएगा, ठीक है, 22 एग्जाम है। मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार में जातिवाद के मुद्दे पर, ठीक है। अगर देखा जाए तो बिहार में जातिवाद बहुत उच्च स्तर पर है और भारत का दो स्टेट ऐसा है जहाँ पर जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है, एक बिहार है और एक यूपी है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जातिवाद को देखें तो यहाँ पर अभी के तक जो सीजन है, जो मानी अभी का जो यहाँ का माहौल है, चुनाव, ठीक है, चुनाव का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी पार्टियाँ हैं वो अधिकतर जातिवाद को ही मुद्दा बनाते हैं, ठीक है, विकास करने के लिए कि हम किसको यहाँ पर टिकट दें ताकि हम यहाँ से जीत सकें और अपने वर्चस्व बना सकें, ठीक। और ज़्यादातर ये देखने को हम लोग को गाँव में मिलता है, गाँव में भले वो काम करे या नहीं करे जितने के बाद वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ यहाँ पर सीधे माइंड में सेटअप ये होता है कि वो मेरे कास्ट का है, मेरे जात का है, हम उसी को सपोर्ट करना है। और वैसे लोग मन के टिकट मिलते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि हाँ हम जितने के बाद क्या करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता होता है, हाँ बस जितने से मतलब है, उसके बाद कोई मेरे पास आए नहीं है कोई मतलब नहीं है। और जातिवाद का कारण यही होता है कि आज हमारे बिहार में जो भी शिक्षा स्तर है सबसे नीचे है, हमेशा लोग जातिवाद को बढ़ावा दिए हैं और आज भी देते जा रहे हैं। और कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये सब जो भी हैं इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो विकास करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जातिवाद जब ख़त्म हो गया नहीं तो फिर आपस में फिर वो उस कास्ट का है, हम इस कास्ट का हैं, हम उससे दूर रहेंगे, हम उससे दूर रहेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और जब हमारा स्टेट ही विकास नहीं करेगा, हम लोग आपस में जातिवाद में उलझे रहेंगे तो फिर देश का तो फिर वही हाल होगा जो पहले था, ठीक है। थैंक यू। जातिवाद ख़त्म करने का एक बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन अगर हमें देखा जाए तो बस ये देखा जाए कि अगर ठीक है जाति इस बात अगर मेरे कास्ट खारा है उसको कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस वो जो खारा है प्रतिनिधि वो शिक्षित होना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित हो, वो शिक्षा पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, खेल कूद पर ध्यान दे, मैं इन बोला कि खाली शिक्षा पर ध्यान देना, हाँ वो जिस एथी से वो है उसको वो करना चाहिए, जो इस काम के लिए वो उसको चुना गया है वो अपना काम अच्छे से करे ताकि अपना गांव पंचायत या राज्य का विकास हो। ठीक है, भाग रहे हैं, डर लग रहा है क्या जॉनसन जी? थैंक यू जॉनसन जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बोले, बड़ा मजा आया, जो सवाल भी किए कुछ अच्छा लगा जॉनसन जी, यहां एक बार लगा कि हम भी बोल सकते हैं, यही जज्बा होना जरूरी है। जो यहां आके बोल गया वो बीपीएससी को तोड़ गया, मानो या ना मानो, पढ़ता तो सब कोई है, सीखता तो सब कोई है, पास कहां सब कोई करता है, तो किसी के पास यही नहीं है, क्लियर। बहुत अच्छा बोले जॉनसन जी, रियली लव यू, मैंने कभी नहीं उम्मीद किया था कि आप इतना अच्छा बोल पाएंगे, लेकिन आप तो कमाल कर दिए, खोदा पहाड़ नहीं ये उल्टा बोल दिए, है ना, उम्मीद बहुत छोटा थी लेकिन उम्मीद से बहुत बड़ा आप निकले, खोदा पहाड़ निकला हाथी, है ना, क्लियर है, स्मॉल एम इज बिग क्राइम। आइए निकलिए रतन जी, आपका क्या मुद्दा होगा रतन जी, कुछ डिमांड है सरकार से? अरे
हेलो एवरीवन, माय नेम इज रतन कुमार और मैं पटना का ही वासी हूँ। मेरा जो प्रखंड हुआ पटना सदर, उसी का गांव है देवाराम के चक मर्ची, मैं वहाँ का ही एक वासी हूँ। मेरा मुद्दा है आज का अंग प्रत्यारोपण का अमानवीय संजाल, जो एक हमारे विश्व का, हमारे देश का नहीं, हमारे विश्व का बहुत बड़ा जंजाल बना हुआ है। यहाँ देखा जाए तो मानव इतना स्वार्थ के लिए अपने हदों को पार कर चुका है, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे इस पूरे विश्व में कम से कम एक दिन में 1.5 लाख मानव शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण होता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कम से कम 15 लाख पूरे विश्व में लोगों का प्रत्यारोपण होना है, उनका जरूरी है। ठीक है, इनको देखा जाए तो बोला जाए कि इनका बढ़ावा देने के लिए अंग प्रत्यारोपण करने के लिए मेन गरीब और श्रमिक लोगों, असहाय लोगों को निशाना बनाकर उनका अंग लिया जाता है, और अंग लिया जाकर उसको बाहर भेजा जाता है विदेशों में। इसका हम लोग ऐसे माने तो भारत में 1994 के तहत कानून एक बनाया गया जिसके बाद अंग प्रत्यारोपण करना कानून दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, और यहाँ दंडनीय अपराध माना गया है, और इसमें ज्यादा जो अंग प्रत्यारोपण हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है किडनी का, उसके बाद हो रहा है जाके लीवर का, और उसके बाद मानव अंडे और उसके बाद नेत्र पटल, ये सब इत्यादि अंगों का किया जाता है। और इसका देखा जाए तो विदेशों में कीमत यहाँ से 1300 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर है इसका कीमत। इसका रोकना भी, इसका रोकथाम भी जरूरी है। ऐसे देखा जाए तो बांग्लादेश और झारखंड और गुरुग्राम और इधर से संकेत मिला है कि इधर से अभी भी अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा है। इसका रोकथाम बहुत जरूरी है, नहीं तो असहाय लोग बहुत सारे दिक्कतों में आने वाले हैं, आ जाएंगे। सो थैंक यू। बहुत बढ़िया रतन जी, सुपर, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सुपर। अंग प्रत्यारोपण कहने का यह है कि जिस तरीके से ये गोरखा धंधा होते जा रहा, मनुष्य जिस तरीके से मजबूरी में, लाचारी में, कई बार आप न्यूज भी सुनते होंगे कि एक व्यक्ति ने अपने आईफोन के लिए किडनी को बेच दिया, कई बार आपको न्यूज मिलता होगा, है ना। और ये कहां चला जाता है, किसी दूसरे कंट्री चला जाता है, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति जिनका एक किडनी काम नहीं कर रहा, कई ऐसा व्यक्ति होता है जिनका एक आंख काम नहीं करता। तो ऐसे में क्या होता है, जो इंसान अपनी आंख को बेचता है, जो किडनी को बेचता है, वो क्या किया जाता है, उसको दूसरे में ले जाके लगा दिया जाता है। और ये क्या है, एक दंडनीय अपराध है। ये शरीर आपका नहीं है, इसलिए इस शरीर का कोई भी पार्ट आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत शानदार बोले, बहुत अच्छा है। अगेन थैंक्स रतन जी, आपको कैसा लगा, आप लोग को एक नया क्लास देखने के लिए मिला? क्या आपको लगता है कि जीवन में ये SDM नहीं बनने तक के बीच का जो सफर में, इसका भी होना जरूरी है, एहसास हो रहा है आपको, समझ में आ रहा? आप बाहर निकलिए, आप किसी इंसान से बात करने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं बात करेगा, कपता है, डरता है, सर कल बता देंगे सर, अरे अपना नाम, सर कल बता देंगे सर, सर रहने दीजिए सर, क्या उम्मीद करके हमसे बैठे हो, घंटों तक रोते रहो तब भी जब तक नहीं बोलोगे जाने नहीं देंगे। आज आपको बोले इसकी वजह से सब बोल दिया, जो आपको बोल देते रहने दो, इधर से ही भी कहता आदिल रहने दीजिए सर कल है ना, बात समझे। ये एक चीज समझ में आ गया ना कि ये भी आपके जीवन का एक पार्ट है, और इसे भी होना बेहद क्या है, जरूरी है, क्योंकि सुजीत सर इसके बिना संभव नहीं है। हाँ एकदम आ सकते हैं, अब दोबारा फिर टाइम देंगे आपको, अब आपका टाइम तो खत्म हो गया है ना, आइए आइए, दोबारा आइए, निकलिए, आइए सनी जी, आइए। सुभाष किसे बोलना है आपको, कैसे आए हैं प्रियंका, एक सही है जी सर, चलिए बोलिए, कस क्या आवाज, क्या है, अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी कुमार हुआ, मैं मुतिहारी जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा शिक्षा 12th करके इस साल PPSC का प्रिपरेशन करने आए हैं, 12th पास कर गए ना जी, इस साल किए हैं,
और मेरा आज का टॉपिक है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। किसी भी देश या राष्ट्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले पंचायतों को विकसित करना परम आवश्यक है। जब तक पंचायत हमारा गांव, प्रखंड विकसित नहीं होगा तब तक किसी भी स्टेट या कंट्री का विकसित होना संभव नहीं है। जिस प्रकार बीपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए पहले लोग फाउंडेशन पढ़ता है, उस प्रकार पीटी पढ़ता है, उस प्रकार मेंस पढ़ता है, फिर उसके बाद ऑप्शनल ए से इंटरव्यू। उसी प्रकार किसी भी देश को विकसित करने के लिए सबसे पहले गांवों को विकसित करना होगा, उसके बाद प्रखंड को विकसित करना होगा, उसके बाद जिला को विकसित करना होगा, उसके बाद देश का विकसित करना होगा, तब जाकर हमारे देश का संपूर्ण रूप से विकसित संभव है। उसी प्रकार सबसे पहले बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तीन स्तर होते हैं। तब फर्स्ट स्तर पे है जिला, फर्स्ट पे है ग्राम पंचायत, सेकंड पे है पंचायत समिति और थर्ड पे है जिला परिषद। तो सबसे पहले बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का गठन 7000 की आबादी पे होता है और इतना ही हम उठ सकते हैं। कोई बात, वेरी गुड, सुपर। उनको ये नहीं मिल सकता चाहके भी। अब आपको समझ में आया ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर होता? हाँ, कई की मजबूरी होती है और कई की शौक से भी होता कि नहीं ऑनलाइन में ही पढ़ेंगे। ऑनलाइन में कोई फायदा है? फायदा यह है कि कम फीस में है और नुकसान यह है ये चीज उसको मिल नहीं सकता है। सबसे अनमोल रत्न तो यही है जो आप उसको दे ही नहीं रहे, कहां से देंगे, संभव ही नहीं है। वो लोग भी सोच रहे होंगे सब ऑनलाइन में है खड़े, है कि नहीं, सब सोच रहे होंगे काश सुजीत सर हमको भी दे दिए होते। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लिखिए, निकालिए कॉपी, क्वेश्चन लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, नहीं रुक जाइए एक मिनट, क्वेश्चन फिर से डालिए। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों जैसा। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके रोकथाम के लिए उपाय सुझाएं। आसान है? उपाय सुझाएं 100 शब्दों में सुझाएं, बताएं 100 शब्दों में, लिख लिए। चलिए कल ये क्वेश्चन आप लिख के लाके हमको दिखाइएगा। हाँ, क्या